श्रीलंका जा रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला है कलकत्ता में, हमेशा प्यार मिला, और उसके बदले में मैं यहाँ पे उनको सर्व करूँगा। ये अच्छा मौका दिया है मुझे टीएमसी ने, तो मैं यहाँ के लोगों को मैं सर्व करूँगा, और उनको जो भी वॉइस ओवर है वो पार्लियामेंट में लेके जाना चाहूँगा। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया। बस बहुत ही शॉर्ट दीदी के साथ बात हुआ, ममता जी के साथ ये बिल्कुल बात हुआ, क्या बोले से बस। अच्छा, आप जाते खड़े हुए वहाँ पे औधी चौधरी है जो बोलर ऑफ कांग्रेस का, वो हेवी ऑफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने वो सीट जीता ही नहीं है, ये बड़े बड़ी चैलेंज है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये हर चीज़ बदलती है अच्छे के लिए, और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ, और जो यहाँ पे लोग है वो प्यार करते हैं मुझे, और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा। यूसुफ पटनर जो गुजरात सीट चाहते पारत, ইন্ডিয়া জোট করতে বলতে পারতো যে আমার গুজরাটে একটা ক্যান্ডিডেট দাও, তার নাম ইউসুফ পাঠান, আমি গুজরাট থেকে তাকে জেতাতে চাই, নির্বাচিত করতে চাই, বলতে কি পারতো না? সেটাকে আরো মানানসই হতো না? ইউসুফ পাঠান গুজরাট থেকে দাঁড়াতো, সেটা তো মানানসই হতো। এখন তো সময় আছে, বলতে পারে ইন্ডিয়া জোটকে যে আমার ইচ্ছা ইউসুফ পাঠানকে সম্মানিত করবার, তাই গুজরাটে একটা টিকিট দেওয়া হোক, তা তো বলতে পারতো। ইউসুফ পাঠানকে সম্মানিত করবার ইচ্ছা থাকলে তাকে রাজ্যসভার এমপি করতে পারত, তা তো করেনি দিদিভাই। দিদিভাই জাতে মাতাল তালে ঠিক, জানে জেলার নাম মুর্শিদাবাদ, সংখ্যালঘু ভোট একটা এখানটায় বিষয়, সংখ্যালঘু ভোটকে না কাটতে পারলে অধীর চৌধুরীকে রুখা যাবে না, তাই সংখ্যালঘু ভোট কেটে দাও, আর হিন্দু ভোটকে ধাক্কা মেরে বলো যে মোদীর দলে ভোট দাও। তো খেলাটা সহজ, এ খেলা যে হবে অনেক 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 আগে আমি এই ঘরে বসে আমার পার্টির নেতাদের কর্মীদের সবাইকে বলেছি।